सो फाइनली हमारी सबसे पॉपुलर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आ चुका है। हमने ऑलरेडी रेसलमेनिया के बेस्ट मैचेस पे बात कर ली, हमने रेसलमेनिया के वर्स्ट मैचेस पे भी बात कर ली, वही हम आज कंटिन्यू करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा रेसलमेनिया के टॉप 5 बेस्ट मेन इवेंट्स। हाँ, एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि भाई ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, मेरी फर्स्ट रेसलमेनिया 24 थी, तो उसके बाद से जो मैचेस हुए मैं उन्हीं में से बता सकता हूँ। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, स्टार्ट करते हैं नंबर 5 मैच से जो कि हमें देखने को मिला था रेसलमेनिया 30 में, द वाइपर रैंडी ऑर्टन वर्सेस द एनिमल बटिस्टा वर्सेस डेनियल ब्रायन के बीच फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। दो टाइटल्स इसमें ऑन द लाइन थी। स्टोरी आपको याद ही होगी, अगर नहीं याद है तो थोड़ी सी कट शॉर्ट में याद दिला देता हूँ। रैंडी ऑर्टन के पास इस टाइम पे दोनों चैंपियनशिप थी, बटिस्टा ने रॉयल रंबल को जीता था, ऑब्वियसली फिर उनका ही मैच होना था रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट। लेकिन फैंस चाहते थे कि डेनियल ब्रायन को स्पॉट मिलना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा फैन फेवरेट थे, बहुत ही बड़े अंडरडॉग रहे। एक यस मूवमेंट हमें देखने को मिली और फाइनली WWE को क्राउड की सुननी पड़ी। उन्होंने एक मैच सेट किया रेसलमेनिया 30 में ट्रिपल एच और डेनियल ब्रायन का, जिसमें से जो भी सुपरस्टार जीतता वो इस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में एड ऑन हो जाता और उस मैच को जीत जाते हैं डेनियल ब्रायन। लेकिन ट्रिपल एच ने उनके लिए चीजें और मुश्किल की। डेनियल ऑलरेडी इंजर्ड थे, उन्हें और ज्यादा इंजर्ड किया, बहुत ही खतरनाक सी बीटिंग दी, लेकिन फिर भी डेनियल ब्रायन फाइनली जैसे तैसे इस मैच में पहुंच जाते हैं और ये मैच अब एक ट्रिपल थ्रेट मैच बन चुका था। स्टार्टिंग काफी ऑब्वियसली होती है, डेनियल ब्रायन एकदम से दोनों सुपरस्टार्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, बटिस्टा को दोनों रिंग के बाहर ही कर दिया। लेकिन यहां से रैंडी ऑर्टन के पास मोमेंटम आ जाता है क्योंकि वो भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं डेनियल ब्रायन पे और रिंग साइड पे, रिंग के अंदर, हर जगह रैंडी ऑर्टन ने बहुत देर तक डोमिनेट किया, चाहे फिर वो डेनियल ब्रायन हो चाहे बटिस्टा हो। लेकिन मैच के एक पॉइंट पे अचानक से डेनियल ब्रायन वापस आते हैं, जैसे ही बटिस्टा और रैंडी ऑर्टन अभी लड़ रहे होते हैं एकदम उड़ते हुए आए और दोनों को उड़ा दिया। उसके बाद हमें डेनियल ब्रायन की दोनों सुपरस्टार्स पे यस किक्स देखने को मिली। भाई बंदा एक साथ दोनों को धो रहा है, इवन देन डेनियल ब्रायन तो यस लॉक तक लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन पे। लेकिन यार ट्रिपल एच बीच में आ गए मैच के, उन्होंने रेफरी को ही खींच लिया, मतलब डेनियल ब्रायन के लिए चीजें मुश्किल करते जा रहे थे अथॉरिटी वाले। अब ये सारा कांड हो गया था तो सीधी सी बात थी, बटिस्टा रिंग में आते हैं, वो अपना बटिस्टा बॉम्ब लगाते हैं डेनियल ब्रायन पे, लेकिन स्टिल ही किक्ड आउट। उसके बाद फैंस में आया क्रेज कि भाई नहीं, अभी हमारा अंडरडॉग अभी भी बचा हुआ है, ये जीतेगा पक्का। डेनियल ब्रायन को भी क्रांति आती है, वो लेते हैं एक हैमर, बाकियों को तो छोड़ो, उन्होंने ट्रिपल एच को जो धोया है उसके बाद। ऑब्वियसली यार ट्राई तो उन्होंने पूरा किया लेकिन नंबर्स गेम के बीच वो भी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाए। आपको वो स्पॉट याद ही होगा जहां पे ये सब अनाउंस टेबल पे होते हैं, बटिस्टा अपने बटिस्टा बॉम्ब मारते हैं और दूसरी तरफ से रिवर्स आरकेओ मारते रैंडी ऑर्टन। मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा मिलके काम कर रहे थे डेनियल ब्रायन के अगेंस्ट। भाई इतना धोया डेनियल ब्रायन को कि डेनियल ब्रायन को स्ट्रेचर पे ले जाया जाता है, बट बंदा नहीं मानता कि ना भाई मेरे को तो मैच करना ही करना है, आज तो मैं लेके जाऊंगा बेल्ट, नहीं तो जाऊंगा ही नहीं। डेनियल ब्रायन ने रैंडी ऑर्टन भी यस लॉक लगाया, बटिस्टा ने बचा लिया, देन डेनियल ब्रायन ने बटिस्टा भी यस लॉक लगा दिया तो रैंडी ऑर्टन ने बचा लिया। मैं सोच रहा हूं भाई ये हो क्या रहा है, और एकदम से डेनियल ब्रायन ने रनिंग लील लगा दी रैंडी ऑर्टन पे, जिसका फायदा बटिस्टा उठाने लग जाते हैं, लेकिन ऑर्टन ने किक आउट कर दिया। बटिस्टा ने सोचा कोई नहीं, मैं अपना फिनिशर लगा के जीतता हूं, उन्होंने मारा बटिस्टा बॉम्ब, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना फिनिशर हिट किया रैंडी ऑर्टन पे, डेनियल ब्रायन फिर आए उड़ते उड़ते, रनिंग ले लगाई बटिस्टा पे और वहां नहीं रुके, उसके बाद यस लॉक लगाया। हर कोई आंखें गड़ा के बैठा है कि टैप आउट टैप आउट टैप आउट, और फाइनली बटिस्टा टैप आउट कर देते हैं और फाइनली द बिगेस्ट अंडरडॉग स्टोरी लाइन यहां पे कंप्लीट हो जाती है, जब डेनियल ब्रायन दोनों टाइटल्स को लिफ्ट करते हैं क्योंकि वो फाइनली बन चुके थे द न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। बहुत ही कमाल का मैच था यार, मजे ही आ गए थे देखने में। ओके नाउ नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें देखने को मिला था अगेन एक ट्रिपल थ्रेट मैच रेसलमेनिया 37 की नाइट 2 के मेन इवेंट में, एंड दिस मैच वाज फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस डेनियल ब्रायन वर्सेस रेटेड आर सुपरस्टार एज के बीच। इसकी स्टोरी भी आपको पता ही होगी, एज ने रॉयल रंबल को जीता था, बीच में एक पेपर व्यू आया था जहां पे रोमन और डेनियल ब्रायन का मैच हुआ था जिसमें कि रोमन ने टैप आउट किया लेकिन रेफरी ने देखा नहीं, तो इस वजह से डेनियल ब्रायन को भी मैच में एड ऑन कर दिया गया था बाद में। और ये मैच एक और चीज के लिए काफी स्पेशल है क्योंकि इस रेसलमेनिया में हमें रिटर्न देखने को मिला था फैंस का, पूरे एक साल एक महीने और एक दिन बाद फैंस वापस आए थे और ये तीनों एक दूसरे पे जो क्रेजी जाते हैं यार, एक सेकंड आपको नजर टिकाने का मौका नहीं मिलेगा। बाकी चुल करने के लिए रोमन के साथ जेउस तो थे ही, सुपर किक्स लगा देते हैं यार वो दोनों बंदों पे। तब डेनियल और रेज को समझ आता है कि यार ये बंदे चुल कर रहे हैं, पहले इनको साइड लगाते हैं, उन्होंने साइड लगाया दोनों सुपरस्टार्स को और फिर वो आपस में लड़ने लगते हैं। इन्होंने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी यार, लेकिन जैसी वापसी होती रिंग में फिर रोमन रेंज की वो सुपरमैन पंच दे मारते हैं यार एज पे, स्पीयर के लिए जाते हैं लेकिन उन्होंने रिवर्स कर दिया। और एक काफी कमाल का मोमेंट मुझे याद है जब दोनों ही स्पीयर के लिए जाते हैं और इन दोनों के शोल्डर्स टकराते हैं आपस में, ऐसा मतलब मैंने कभी नहीं देखा था भाई जिंदगी में। इसी बीच डेनियल ब्रायन भी वापस आ गए, उन्होंने भी दोनों सुपरस्टार्स पे डाइविंग हेडबट मारा, फिर से हमें यस किक्स भी देखने को मिली, इवन वो रनिंग नी तक लगा देते हैं एज पे। और मैच में इवेंचुअली चलते चलते एक बहुत ही कमाल का मोमेंट आता है जब स्टील चेयर के टुकड़े से एज सबमिशन मूव लगा देते हैं रोमन रेंज पे, और जब डेनियल ब्रायन आए तो उन्होंने रोका थोड़ी, तो उन्होंने दूसरी तरफ से सबमिशन मूव लगा दिया रोमन रेंज पे। रोमन रेंज के दोनों हाथ ही बंद गए तो बंदा टैप आउट कैसे करेगा, टैप आउट हुआ नहीं, रोमन साइड लग गए। डेनियल ब्रायन जैसी रनिंग नी के लिए जाते हैं एज पे,
एज ने उन पे स्पेयर हिट कर दिया और उसी टाइम उन्होंने रोमन रेंज पे स्पेयर हिट कर दिया। दोनों पे इतने चेयर शॉट्स, इतने ज्यादा चेयर शॉट्स लगाए, इवन जे उसो तक पे स्पेयर लगा दिया। लेकिन इस सारे चक्कर में रोमन रेंज ने उन पे स्पेयर हिट कर दिया। फाइनली दोनों के हेड पे चेयर शॉट दे मारा, एज को खींचा, लेटाया डेनियल ब्रायन के ऊपर और दोनों सुपरस्टार्स को एक के ऊपर एक को लेटा के फाइनली पिन कर दिया, जहां से कि ये रेन एक्चुअल में डोमिनेंस वाला शुरू हो गया। मजे आ गए थे बिल्कुल इस मैच में। ओके नाउ मैच नंबर 3 की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें रेसलमेनिया 31 में देखने को मिला था। इट वाज द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। इसके बिल्ड के बारे में तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, बहुत ही बेकार था भाई। क्राउड में कोई नहीं चाहता था कि रोमन यहां पे चैंपियन बने, बट फिर भी इतना कमाल का लेजेंडरी मैच इन सुपरस्टार्स ने दिया था ना यार, एकदम मजे ही आ गए थे देखने में। आपको तो पता है इन दोनों के मैचेस में होता क्या है। पहली ब्रॉक लेसनर ने अपने डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दी थी, सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स, सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स, सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स, खत्म ही नहीं हो रहा भाई। रोमन जैसे काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे, फिर ब्रॉक लेसनर पकड़ ले रहे थे और रोमन यहां स्माइल किए जा रहे हैं। मतलब लिटरली रोमन रेंस यहां पे सोच के आए थे कि भाई मैं तो नहीं हारूंगा, बेशक जो हो जाए, ये जितना मर्जी मार ले मुझे, मैं पिन नहीं होने वाला इस मैच में। ब्रॉक ने कहां कहां नहीं मारा यार, F5s दे मारे रिंग के अंदर, रिंग साइड पे। हां रोमन को एक टाइम पे मिलता है एक स्पॉट जब वो रिंग पोस्ट पे दे मारते हैं ब्रॉक लेसनर को, जब ब्रॉक के सर से खून भी निकलने लग जाता है। उसके बाद रोमन को थोड़ा अपर हैंड मिला, उन्होंने 2-3 सुपरमैन पंचेस लगाए ब्रॉक पे, इवन स्पीयर तक हिट किए, लेकिन ब्रॉक को कौन हरा सकता है यार इजीली। ब्रॉक हर बार किक आउट कर रहे हैं और फाइनल मोमेंट्स में जैसे ही वो एक और स्पेयर के लिए जाते हैं ब्रॉक पे, ब्रॉक ने उसे F5 में कन्वर्ट कर दिया और दोनों लोग गिर गए। और उसके बाद का तो भाई मैं क्या ही बताऊं, द बिगेस्ट हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी हमें देखने को मिला था, जब सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक लेके आते हैं दौड़ते हुए, एकदम से कैश इन कर लेते हैं, ब्रॉक पे स्टॉम्प दे मारते हैं, रोमन पे स्टॉम्प दे मारते हैं, पिन कर देते हैं एंड 1-2-3 फाइनली दोनों में से कोई नहीं जीता। सेथ रॉलिंस ने एक तरह से चुरा ली थी चैंपियनशिप और वो बन गए थे द न्यू WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। भाई ये बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था, रेसलमेनिया इसी के लिए तो जाना जाता है यार। रॉक वाला सेगमेंट जब तक हुआ था तब तक रोमन रेंस ही जीतने वाले थे इस मैच को, फाइनल मोमेंट्स में WWE ने इस डिसीजन को चेंज किया है। ओके तो चलो अब नेक्स्ट मैच की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें देखने को मिला था फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स लास्ट ईयर रेसलमेनिया 39 की नाइट 1 के मेन इवेंट में, द उसोस वर्सेस सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस। स्टोरी आपको ऑलरेडी पता है, इसके बारे में को बताने की जरूरत नहीं, इतनी पुरानी बात नहीं, क्योंकि भाई इस मैच में क्या कुछ नहीं हुआ आपको पता ही है। दोनों टैग टीम इतनी कमाल की हैं, स्टार्टिंग में तो वैसी डोमिनेंस हमें देखने को मिली एक की नहीं दोनों टीम्स की तरफ से, ये रुके नहीं, इन्होंने पता नहीं कितनी सुपर किक्स की बारिश ही कर दी थी उस दिन। तो डोमिनेंस तो ऐसी कि भाई केविन ओवंस पे इन्होंने अनाउंस टेबल तोड़ा, अंदर अपना फिनिशर लगा दिया फिर से सैमी ज़ेन पे, लेकिन सैमी हारने को राजी नहीं, किक आउट कर दिया फिर से। लेकिन फाइनली जैसी सैमी ज़ेन एक मूव को रिवर्स करते हैं जे उसो के और वो टैग इन करते हैं केविन ओवंस को, फिर होती असली ब्रॉल शुरू। एंड फाइनल मोमेंट्स में जिमी उसो को तो लगा दिया था साइड केविन और सैमी ने, एंड एट दी एंड आपको पता ही जे उसो सैमी ज़ेन के बीच कैसी चीजें रही हैं, टर्न बकल पे ले जाते हैं वो जे उसो को, सैमी ज़ेन ने एक हेलुआ किक मारी, दूसरी मारी एंड एट लास्ट एक थर्ड हेलुआ किक के बाद वो पिन कर देते हैं जे उसो को 1-2-3। दिस मैच बिकम्स अ 5-स्टार क्लासिक, यही तो चाहिए होता है भाई एक रेसलमेनिया मेन इवेंट से। एंड नाउ फाइनली आ जाते हैं हम अपने फाइनल मैच के ऊपर, जो कि हमें देखने को मिला था रेसलमेनिया 26 में, जिसमें कि कोई टाइटल भी ऑन द लाइन नहीं थी। सोचो फिर भी ये आज तक जितने मैचेस हुए WWE हिस्ट्री में सबसे बेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम है, शॉन माइकल्स वर्सेस द अंडरटेकर करियर वर्सेस स्ट्रीक। एंड मैं इस वीडियो में इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस मैच के बारे में बहुत ज्यादा बार बहुत अलग अलग वीडियोस में बात कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने बाद में देखना शुरू किया WWE और ये मैच आपसे मिस हुआ है तो भाई देखो अभी, जहां भी हो जैसे भी मर्जी निकालो इसको, फुल लेंथ मैच देखो, हाइलाइट्स नहीं पूरा मैच, तभी आपको हिट करेगी चीज। स्टोरी से लेके मोमेंट से लेके इसकी एंडिंग तक इतना रोलर कोस्टर, इतना इमोशनल राइड रही थी ना यार ये। एट दी एंड दोनों का हैंडशेक करना, शॉन का वेव करके जाना, भाई 10-स्टार क्लासिक यार। तो यार ये रही रेसलमेनिया की प्लेलिस्ट, रेसलमेनिया रिलेटेड हर वीडियो मैंने डाली है इसमें, इसे देखो और मजे करो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।